नमस्कार भैया, बहुत बहुत स्वागत है। देख रहे हैं ज्योतिष राहत के, मैं हूं आपके साथ आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोष संतोषी। 24 अगस्त, जन्माष्टमी, आपके जीवन में यह अष्टमी किस प्रकार से चंद्र के द्वारा एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा कर सकती है, ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते। वृषभ राशि में चंद्रमा और नक्षत्र रोहिणी, ये दोनों चंद्रमा के लिए इससे ज़्यादा सकारात्मक कोई नक्षत्र और मुहूर्त हो ही नहीं सकता। तो अब डिफरेंट तो परोसना ही था आपके पास, तो इसलिए हम कुछ ऐसा लेकर के आज आए हैं जो आपके कुंडली में विद्यमान चंद्रमा की स्थिति को सकारात्मक कर सके। नंदोत्सव का ये खास प्रयोग आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा, खास तौर पर वो जिनकी राशि वृश्चिक है, जिनके कुंडली में चंद्रमा शनि के साथ है, जिनके कुंडली में चंद्रमा राहु के साथ है, जिनके कुंडली में चंद्र राहु समसप्तक हैं अर्थात चंद्रमा केतु के साथ हैं, ऐसे लोगों के लिए तो ये रामबाण है। बाकी सब कर ले, क्योंकि चंद्रमा का सकारात्मक प्रभाव सबके लिए सकारात्मक ही होगा। तो 24 अगस्त को महज 4 मिनट का ये खास कार्यक्रम आपके लिए चौंकाने वाला हो जाएगा। क्या उपाय करना है नोट कर लीजिएगा। एक केले का पत्ता ले लीजिए, ना मिले तो कोई भी पत्ता ले लीजिए, थोड़ा सा बड़ी साइज का, स्टील या चांदी की कटोरी में रखकर 7 बूंद गुलाब जल डालना है और फिर कटोरी को अपने दाहिने हथेली के चंद्र पर्वत पर ज़्यादा भार देते हुए रख लेना है। गुलाब जल कितना, मात्रा भर, बहुत ज़्यादा नहीं, कटोरी छोटी सी, उस पर चाहे केले का पत्ता काट के रख दीजिए, चाहे कोई भी छोटा सा इतना बड़ा पत्ता, बरगद का है, आग का है, कुछ भी रख दीजिए गुलाब जल, और फिर इसको यहाँ पर रखिए और ओम चंद्रमौली देवाय नमः, चंद्रमा का, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र जाप करिए। कितना भी करिए, सुबह स्नान के बाद करिए, दोपहर पे करिए, शाम करिए, चाहे जब करिए, बहुत छोटा सा प्रयोग है, बंधन नहीं कितना कर रहे हैं। और अगर रात 12 बजे रोहिणी नक्षत्र का हो, जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था उस समय करते हैं, तो सोने पे सुहागा है। आप पर ग्रहों की सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बहुत स्ट्रांग बन जाएगा। ये इतना कर लीजिए और फिर आनंद परमानंद देखिए कितना कुछ आपके लिए प्रकृति लेकर के आती है। बहुत छोटा सा प्रयोग है, लेकिन चंद्रमा को सदा सर्वदा के लिए आपके पक्ष में करने के लिए इसका कोई काट नहीं है। कर लीजिएगा, लाभ के तमाम नए नए अवसर आपके समक्ष बनते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस मोहब्बत के लिए। वीडियो को दबा के शेयर करिएगा। करना सिर्फ और सिर्फ 24 अगस्त को है, ये याद रहे। नो पत्थर इन फिंगर्स एंड नो नॉन वेज। बस, थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय श्री राधे।